इस कहानी की शुरुआत में हमें कुछ परियों को मस्ती करते हुए दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ अपनी पहली गर्मी मनाने नीचे धरती पर आई थी। टेरेंस नाम का एक फेरी अपनी दोस्त टिंकरबेल से पूछता है कि क्या तुम धरती पर अपनी पहली गर्मी को मनाने के लिए तैयार हो। टिंकरबेल कहती है कि धरती पर सब काफी अच्छा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ ऐसा खूबसूरत मौसम होगा। सभी फेरी फेरी कैंप में जाते हैं। टेरेंस टिंकरबेल से कहता है कि मैं तुम्हें धरती के कैंप को दिखाता हूँ, पर ये खुले में नहीं है क्योंकि हमें इंसानों से छुप कर रहना होगा। टिंकरबेल फेरी कैंप देखकर काफी खुश होती है और वो सभी के पास जाकर पूछती है कि मैं आपकी मदद करूं, मगर सब उसे मना कर देते हैं। टेरेंस टिंकरबेल से कहता है कि मुझे और भी दूसरे कैंप में जादू दिखाने जाना है, मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद मिलता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। टिंकरबेल उड़कर कैंप से बाहर जाने लगती है। विद्या टिंकरबेल को रोकती है और उसे पूछती है कि तुम इंसानों के घर की तरफ जा रही थी। टिंकरबेल झूठ बोलते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता था क्या इंसान भी रहते हैं। इरिडेसा सभी फेरी से कहती है क्या इंसानों के घर हैं, मगर हम खुद उनसे दूर रहेंगे। सिल्वर मिश सभी से कहती है क्या आज तूफान आ सकता है। फान कहती है कि आज का दिन काफी अच्छा और साफ है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तूफान आने वाला है। फान एक तितली को पेंट कर रही थी जो उसके पास से उड़ जाती है और उसके पंख पर कलर ढुल जाता है। फेरिस कैंप का कीपर एक हॉर्न बजाता है जिसे सुनकर सभी फेरिस फूलों और पत्तियों में छिप जाती है क्योंकि उनका मतलब होता है कि कोई इंसान आ रहा है। टिंकरबेल पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है ताकि इंसानों को देख सके। वहाँ से लीजी नाम की लड़की अपने डेट के साथ कार लेकर जा रही थी जिसे देखकर टिंकरबेल उनके पीछे चली जाती है। लीजी अपने डेट ग्रिफिथ के साथ गर्मी की छुट्टियां मनाने घर आई थी। वो अपने घर वापस आकर काफी खुश थी और अपने पापा से कहती है कि काश ये समय पूरे साल चले। टिंकरबेल को कार काफी पसंद आती है और उसके नीचे जाकर देखती है। विद्या भी वहाँ आती है। वो टिंकरबेल से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। टिंकरबेल कहती है कि एक गाड़ी है जो अपने आप चलती है, ये कोई घोड़ा गाड़ी नहीं है। और वो विद्या को कार के बारे में बताने लगती है। विद्या कहती है कि तुम्हें इंसानों के घर के इतने पास नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। टिंकरबेल गाड़ी के फ्यूल बटन को ऑन ऑफ करती है जिसकी वजह से विद्या के ऊपर फ्यूल डूलता है और गीली हो जाती है। लीजी और उसके डेट कार से अपना सामान वापस लेने आए थे। लीजी को तितली दिखाई देती है जो फान के हाथ से उड़ गई थी। लीजी अपने डेट से कहती है कि तितली कौन सी नस्ल की है। लीजी के डेट कहते हैं कि इसके दोनों पंख अलग अलग रंग के हैं जिसकी वजह से मैं इसे पहचान नहीं पा रहा। लीजी कहती है कि फेरिस ने इसे इस तरह से कलर किया होगा। ग्रिफिथ कहते हैं कि फेरी नहीं होती, वो बस एक कल्पना है, और वो घर के अंदर जाने लगते हैं। लीजी अपने डेट से साथ घूमने चलने को कहती है। ग्रिफिथ कहते हैं कि मुझे अपने फील्ड जनरल से कल रात को मिलना है जिसकी वजह से मैं आज ही चला जाऊंगा। तुम्हारे सोने से पहले मैं घर आ जाऊंगा, और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। टिंकरबेल विद्या से कहती है कि अब हम मुड़कर जा सकते हैं। विद्या कहती है कि मैं उड़ नहीं सकती, मेरे पंख गीले हैं। टिंकरबेल कहती है कि तुम्हें पैदल चलना होगा, मगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, और वो दोनों वहाँ से चली जाती है। वहीं लीजी एक पेड़ के नीचे फेरिस के लिए एक घर बनाकर वहाँ से चली जाती है। टिंकरबेल विद्या से कार के बारे में बात करती है जिसकी वजह से विद्या काफी परेशान होती है और उड़ने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं उड़ पाती। टिंकरबेल को कुछ शर्ट के बटन दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर वो कहती है कि मैंने कैंप के अंदर ले जाऊंगी। विद्या बटन को फेंक देती है। तभी दोनों को लीजी का बनाया हुआ घर दिखाई देता है। टिंकरबेल घर के पास जाती है और विद्या से कहती है कि घर के बोर्ड पर फेरिस का स्वागत है ऐसा लिखा हुआ था। विद्या कहती है कि घर इंसानों का है और बोर्ड पर भी इंसानों ने लिखा होगा, इसीलिए तुम्हें घर के अंदर नहीं जाना चाहिए। टिंकरबेल विद्या की बात नहीं सुनती और घर के अंदर चली जाती है। विद्या टिंकरबेल को डराने के लिए घर के दरवाजे को जोर से बंद कर देती है, मगर टिंकरबेल नहीं डरती। तभी लीजी आ जाती है। विद्या टिंकरबेल से कहती है कि यहाँ कोई आ रहा है और गेट को खोलने की कोशिश करती है, मगर गेट अटक जाता है और नहीं खुलता। विद्या वहाँ से उड़कर छिप जाती है। टिंकरबेल डरने लगती है और गेट को खोलने की कोशिश करती है, मगर गेट नहीं खुलता। लीजी गेट को हिलता देखती है और घर में झांककर देखती है। उसे घर में एक फेरी दिखाई देती है और उसे देखकर काफी खुश हो जाती है। लीजी फेरी के बारे में अपने पापा को बताने जाती है। विद्या भी लीजी के पीछे आती है। लीजी अपने पापा को फेरी को दिखाती है, मगर वो बिजी होने की वजह से नहीं देखते और लीजी को एक तितली बताते हैं जिसे उन्होंने पकड़ रखा था। लीजी ये देखकर डर जाती है और अपने पापा को फेरी के बारे में बिना बताए वहाँ से चली जाती है। लीजी अपने कमरे में आकर टिंकरबेल को बाहर निकालती है। टिंकरबेल घर से भागने की कोशिश करती है, मगर विंडो के बंद होने की वजह से वो नहीं भाग पाती। टिंकरबेल को लीजी की केट
देख लेती है और उसे मारने लगती है। टिंकर बेल को केट से बचाने के लिए लीजी फेरी को एक पिंजरे में बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है। टिंकर बेल पिंजरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है मगर वो दरवाजा नहीं खुलता। वहीं विद्या कैंप वापस आकर सभी को बताती है कि टिंकर बेल को इंसानों ने पकड़ लिया। ये सुनकर सभी फेरिस डर जाते हैं और विद्या से पूछते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। विद्या कहती है कि टिंकर बेल एक छोटे घर के अंदर चली गई और गेट लॉक हो गया जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पाई। इंसान आकर टिंकर बेल को वहाँ से ले गया पर मैं जानती हूँ कि वो कहाँ है, हमें उसे बचाना चाहिए। रोसेटा सभी से कहती है कि हमें अभी टिंकर बेल को बचाने चलना होगा और सभी उसे बचाने जाते हैं मगर तेज बारिश की वजह से वो उड़ नहीं पा रहे थे। इरिडेसा सिलोमिश से पूछती है कि बारिश कितनी देर में रुकेगी। सिलोमिश कहती है कि बारिश अभी काफी देर तक होगी। फान कहती है कि हम बारिश में उड़ नहीं सकते और मैदान पहले ही भर चुके हैं, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। क्लांग कहता है कि अगर हम बड़े पत्तों के साथ दो लकड़ियां सिल दें तो हम एक नाव बना सकते हैं जिसकी मदद से हम इंसानों के घर तक पहुंच जाएंगे। सभी मिलकर नाव बनाने का सामान लाते हैं और एक नाव बनाते हैं। वहीं अगले दिन टिंकर बेल दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तभी लीजी उसके पास आती है। टिंकर बेल लीजी को देखकर डरने लगती है। लीजी टिंकर बेल की तारीफ करती हुई उसे कहती है कि तुम्हें शायद भूख लगी होगी और उसे खाने का टुकड़ा डालती है मगर टिंकर बेल खाना नहीं खाती। लीजी टिंकर बेल को पिंजरे से बाहर निकालती है। टिंकर बेल पिंजरे से निकलते ही उड़कर भागने लगती है मगर विंडो बंद होने की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पाती। लीजी उसे कहती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैंने तुम्हारे कई सारे फोटो भी बनाए। और वो टिंकर बेल को फेरिस की कुछ फोटो दिखाती है जो उसने बचपन में बनाए थे। लीजी टिंकर बेल से पूछती है कि फेरिसी तितलियों को पेंट करती है। टिंकर बेल गर्दन हिलाकर समझाती है कि फेरिसी तितलियां पेंट करती है। लीजी टिंकर बेल से बहुत सारे सवाल पूछती है। टिंकर बेल उसके सवालों का जवाब देती है मगर लीजी को उसकी आवाज नहीं सुनाई देती और एक घंटी बजने जैसी आवाज आती है। लीजी टिंकर बेल को फेरिस के लिए बनाया हुआ घर बताती है। टिंकर बेल लीजी से इशारों में पूछती है कि क्या यह घर तुमने बनाया है। लीजी कहती है कि इसे मैंने बनाया और वो फेरी से उसका नाम पूछती है। टिंकर बेल इशारों में उसे अपना नाम बताती है। लीजी फेरी के इशारों से समझ जाती है और टिंकर बेल से हाथ मिलाती है। ग्रिफिन लीजी की आवाज सुनकर उसके कमरे में आते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम किससे बात कर रही थी। लीजी कहती है कि मैं अपनी ड्राइंग से बात कर रही थी। ग्रिफिन लीजी से कहते हैं कि मेरे पास कुछ पुरानी डायरियां हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें उन्हें पढ़ने से खुशी मिलेगी। लीजी कहती है कि क्या आपके पास कोई फेरी की डायरी है। ग्रिफिन कहते हैं कि डायरी रिसर्च और फैक्ट पर लिखी हुई है और फेरिस की डायरी लिखने से कोई मतलब नहीं क्योंकि उनका कोई प्रूफ नहीं, वो एक कल्पना है। ग्रिफिन लीजी को एक डायरी देकर कहते हैं कि तुम इसमें फील्ड के बारे में रिसर्च करके लिखना और वहाँ से चले जाते हैं। टिंकर बेल लीजी से कहती है कि मुझे तुम्हारा कलेक्शन अच्छा लगा पर मुझे अब जाना चाहिए। लीजी उदास होती है और विंडो खोल देती है मगर बारिश की वजह से टिंकर बेल नहीं जाती। लीजी उसे कहती है कि बारिश बंद होने तक तुम मेरे साथ रुक जाओ, मैं तुम्हें मेरा कमरा दिखाती हूँ। वहीं फेरिस नाव बनाकर टिंकर बेल को बचाने आते हैं तभी रास्ते में उन्हें गाड़ी दिखाई देती है। विद्या कहती है कि मैंने इस गाड़ी को पहले भी देखा था, मतलब हम सही जगह जा रहे हैं। दूसरी तरफ लीजी ने जो टिंकर बेल के लिए घर बनाया था, टिंकर बेल उसके अंदर घूमती है और घर की हर एक चीज को देखती है। लीजी कहती है कि मैंने हर चीज को फेरी के साइज का बनाया है। लीजी टिंकर बेल से कहती है कि मैं तुम्हारे रियल लाइफ के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ और उससे उनका जन्म कैसे होता है इस बारे में पूछती है। टिंकर बेल बताती है कि जब पहली बार एक बच्चा हंसता है तो एक फेरी का जन्म होता है और उसे अपने बारे में सब कुछ बताती है। लीजी उसकी सारी बातें अपने डेट की दी हुई डायरी में लिख लेती है। वही विद्या सभी से कहती है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं जो सीधा इंसानों के घर की तरफ जाता है। फान देखती है कि नाव एक बड़े झरने की तरफ जा रही है और वो इसके बारे में सभी को बताती है। सभी फेरी ये बात सुनकर डर जाती है और सभी नाव को घुमाने की कोशिश करते हैं मगर नाव झरने से नीचे गिरने लगती है। सिल्वरमेंट अपनी शक्तियों से सभी को बचा लेती है। क्लार्क को एक शर्ट का बटन मिलता है जिसे देखने के बाद विद्या को रास्ता पता चल जाता है। वहीं लीजी टिंकर बेल से कहती है कि बारिश रुक गई है, तुम्हें अब जाना चाहिए और उसे एक कागज का छाता देती है जो उसे बारिश से गीला होने से बचाएगा। टिंकर बेल के चले जाने से लीजी काफी उदास होती है। टिंकर बेल लीजी को गले लगाती है और वहाँ से चली जाती है। लीजी अपने डेट को फेरी की डायरी दिखाने जाती है। ग्रिफिन घर में टपक रहे पानी को रोकने की कोशिश कर रहे थे इस वजह से वो लीजी की डायरी नहीं देखते।
लेजी वहाँ से उदास होकर चली जाती है। लेजी अपने कमरे में जाकर डायरी को देखकर रोने लगती है। वहाँ टिंकर बेल आती है जिसे देखकर लीजी काफी खुश हो गई थी और टिंकर बेल से कहती है कि मेरे डेट के पास मेरे लिए टाइम नहीं, वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं। वही सभी फेरीज पानी की वजह से कीचड़ में चलती है, विद्या कीचड़ में फंस जाती है। सभी फेरीज उसे निकालने लगती है, तभी वहाँ एक कार आ जाती है। इरिडेसा कार को रोकने के लिए कार के ड्राइवर की आंखों में लाइट डालती है जिसकी वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता और वो कार रोककर बाहर निकलकर इधर उधर देखता है। फान ड्राइवर की शू लेस पकड़ लेती है और सभी से कहती है कि लेस को टाइट पकड़े रखो। ड्राइवर जैसे ही वहाँ से चलने लगता है, लेस की वजह से सभी फेरीज कीचड़ से बाहर निकल जाती है। वही लिजी टिंकर बेल के साथ चाय पीती है और सो जाती है। टिंकर बेल छत से टपक रहे पानी को रोकने के लिए छत के सभी लीकेज को एक नली से जोड़ देती है जिसकी वजह से पानी नली से होता हुआ बाहर निकल जाता है। टिंकर बेल को एक तितली बोतल में बंद दिखाई देती है जिसे वो बाहर निकाल देती है और वो लिजी को आकर जगाती है। ग्रिफी लिजी के पास आते हैं जिसकी वजह से टिंकर बेल छिप जाती है। ग्रिफी लिजी से कहते हैं कि बाहर बारिश हो रही है लेकिन घर में पानी नहीं टपक रहा, ये कैसे हो सकता है। लिजी समझ जाती है कि सब टिंकर बेल ने किया ताकि उसके पापा लिजी के साथ टाइम बिता सके, मगर लिजी अपने पापा को कमरे से बाहर भेज देती है। टिंकर बेल कहती है कि तुम्हें अपने पापा को अपनी डायरी अभी बतानी थी। लिजी टिंकर बेल की बात मानकर अपने पापा के पास जाती है। गेफी लिजी से गुस्सा होकर कहते हैं कि मैंने बोतल में एक तितली को कैद कर रखा था, वो कहाँ गई, मुझे उसे म्यूजियम में ले जाना था। ग्रिफी लिजी से कहते हैं कि घर में तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं है, तितली को मैंने बाहर नहीं निकाला, इसका मतलब तुमने उसे उड़ा दिया। लिजी कहती है कि ये सब मैंने नहीं किया। वो लिजी को अपने कमरे में जाने को कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तितली को लिजी ने उड़ा दिया। वही सभी फेरीज टिंकर बेल का मजाक बनाते हुए कहती है कि टिंकर बेल को कोई कैसे पकड़ सकता है। विद्या कहती है कि मेरी वजह से टिंकर बेल खतरे में है क्योंकि मैंने उसे सबक सिखाने के लिए दरवाजे को लगा दिया मगर वो फिर से नहीं खुला। सभी फेरीज विद्या से कहती है कि अगर तुम टिंकर बेल के साथ नहीं होती तो अपने आप को और भी मुसीबत में डाल सकती थी, मगर अब हम उसे बचा लेंगे। क्लांग अपने साथी के साथ एक पत्थर के ऊपर चढ़ता है जहाँ उसे इंसानों का घर दिखाई दिया जिसकी वजह से वो काफी खुश होता है। वहीं लिजी टिंकर बेल से कहती है कि मैं अपने डेड को कुछ भी बताने की कोशिश करती हूँ मगर वो मेरी बात पर विश्वास नहीं करते, और अपनी डायरी देखकर कहती है कि काश मैं भी तुम्हारी तरह उड़ पाती, फिर मैं भी तुम्हारी तरह फूलों का ध्यान रखती। टिंकर बेल फेरी को अपने साथ लाकर उसके ऊपर फेरी डस्ट डालती है जिसकी वजह से लिजी हवा में उड़ने लगती है। लिजी को हवा में उड़कर काफी मजा आता है और उड़ना सीख जाती है। वहीं सभी फेरी घर के अंदर आती है। विद्या कहती है कि एक छोटी लड़की ने टिंकर बेल को पिंजरे में डाल दिया था और घर के अंदर एक बड़ा इंसान है जो तितलियों को पसंद नहीं करता और उन्हें पकड़ कर रखता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए एक बिल्ली है जो इस घर के अंदर रहती है। सभी केट का नाम सुनकर डर जाते हैं। केट कमरे के अंदर सभी फेरीज को देख लेती है और उन्हें मारने के लिए उनके पीछे दौड़ती है। केट क्लांग को पकड़ने वाली थी मगर वो चलकर कुछ प्लेट्स के ऊपर गिरता है जिसकी वजह से प्लेट्स में फेरी डस्ट गिर गई और सभी प्लेट्स हवा में उड़ने लगी। ये देखकर सभी फेरीज प्लेट्स के ऊपर बैठ जाती है और हवा में उड़ती हुई वहाँ से जाने लगती है। केट भी प्लेट के ऊपर चढ़ गई थी और सभी फेरीज के ऊपर हमला करने लगी जिसका शोर ग्रिफी सुन लेते हैं और लिजी के कमरे में आकर उससे कहते हैं कि कमरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई तूफान आया हो और तुमने छत के ऊपर अपने पैरों के निशान कैसे बनाए, तुम मुझे इन सब के बारे में सच बताओ। लिजी कहती है कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे पर मैं हवा में उड़ रही थी एक फेरी की मदद से। ग्रिफिथ काफी गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि फेरी एक कल्पना है जिसके बारे में तुम बहुत बकवास कर चुकी हो। लिजी अपने डैड से कहती है कि ये सब सच है और ने अपनी डायरी बताती है जिसे देखकर ग्रिफिथ कहते हैं कि ये डायरी मैंने तुम्हें इसीलिए दी थी ताकि तुम इसमें जमीन से जुड़ी बातें लिख सको, मगर तुमने इसे मूर्खों की तरह फेरीज की कहानियों से भर दिया। ग्रिफी लिजी कमरे में लगी सभी फेरीज की फोटो को फाड़ने लगते हैं। टिंकर बेल को ये सब देखकर काफी गुस्सा आता है और वो ग्रिफिथ को डराने लगती है। ग्रिफिथ टिंकर बेल को देखकर डर गए थे। लिजी उनसे कहती है कि फेरी असलियत में होती है और वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ग्रिफिथ टिंकर बेल को एक बोतल में बंद करने वाले होते हैं, तभी वहाँ विद्या आ जाती है और टिंकर बेल को बचाने की वजह से वो खुद बोतल में बंद हो गई, जिसे देखकर लिजी अपने डेट से उसे छोड़ने को कहती है। ग्रिफिथ कहता है कि मैं इसे म्यूजियम में ले जाऊंगा और वहाँ से चला जाता है। लिजी टिंकर बेल से कहती है कि पापा फेरी को शहर ले जा रहे हैं, हमें उन्हें रोकना होगा, बाकी फेरी
फेरी स्केट के ऊपर बैठकर आती है, जिन्हें देखकर टिंकर बेल कहती है कि हमें विद्या को बचाना होगा। इरिडेसा कहती है कि बारिश अभी भी हो रही है जिसकी वजह से हम उड़ नहीं सकते। टिंकर बेल कहती है कि लीजी हमें शहर तक ले जाएगी। सभी फेरी लीजी को तैयार करके उसके ऊपर फेरी डस्ट डाल देती है जिसकी वजह से लीजी फिर से उड़ने लगी और सभी को शहर की तरफ ले जाती है। टिंकर बेल को ग्रिफिथ दिखाई देता है और जल्दी से उड़कर कार का पीछा करके उसे खराब करने की कोशिश करती है और ऐसा करने में कामयाब हो जाती है, मगर अनफॉर्चुनेटली कार म्यूजियम के सामने पहुंच चुकी थी। लीजी अपने डेड को अंदर जाने से रोकती है। ग्रिफिथ लीजी को उड़ता देख काफी खुश होता है और लीजी को गले लगाकर विद्या को बोतल से बाहर निकाल देता है। सभी फेरी ग्रिफिथ के ऊपर फेरी डस्ट डालती है जिसकी वजह से वो भी हवा में उड़ने लगता है और लीजी के साथ खूब मस्ती करता है। अगले दिन सभी फेरी लेजी और उसके डेड के साथ चाय पीते हैं। ग्रिफिथ सभी को लीजी की लिखी हुई स्टोरी पढ़कर सुनाते हैं। टेरेंस भी सभी के पास फिर से आ जाता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।